हेलो गाइस, माय नेम इज आदित्य दुबे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। इस लेसन में हम डील करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। दिसंबर 1953 में एक कमीशन फॉर्म हुआ था जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको एसआरसी नाम से भी जाना जाता था। इस कमीशन में टोटल मेंबर्स थे 3, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर फजल अली और बाकी के 2 मेंबर थे मिस्टर हृदयनाथ कुंजरू, जिनको एचएन कुंजरू नाम से जाना जाता है। दूसरे थे डॉक्टर के एम पनीकर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एसआरसी मींस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि 1953 में फॉर्म की गई थी, उसके टोटल मेंबर कितने थे। तो वो थे टोटल 3 मेंबर्स। अब इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये नए स्टेट्स को क्रिएट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, मींस भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन करने की इस कमीशन की सिफारिश थी। इसका कॉन्क्लूजन क्या निकला? इसका कॉन्क्लूजन ये निकला कि 14 न्यू स्टेट्स फॉर्म किए गए, साथ ही साथ 6 न्यू यूनियन टेरिटरीज फॉर्म की गई हमारे इंडिया में। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी रिकमेंडेशन थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1956। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी कारण हमारे एमपी का जो फॉर्मेशन डेट है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। जो नया एमपी फॉर्म हुआ था उसमें टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे और जो डिवाइडेड थे 9 डिविजन्स में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब एमपी फॉर्म हुआ था उस वक्त डिविजन्स कितने थे। तो उस वक्त डिविजन्स थे टोटल 9, और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए तो उस वक्त थे 43 डिस्ट्रिक्ट्स। भोपाल जो थी हमारी कैपिटल बनी, लेकिन उस समय वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, वो उस समय तहसील हुआ करती थी सीहोर डिस्ट्रिक्ट की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल को डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया। तो वो बनाया गया 26 जनवरी 1972 को। सिर्फ भोपाल अकेले नहीं, उस वक्त राजनांदगांव को भी क्रिएट किया गया था। हेंस जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या हो गई थी वो हो गई थी 45। 1990 में 2 नए डिवीजन फॉर्म किए गए थे, जिनका नाम था चंबल और दूसरा था बस्तर। हेंस जो हमारे टोटल डिवीजन हो गए थे वो हो गए थे 11। 1998 में काफी सारे चेंजेस हुए, इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट इनिशियली ऐड किए गए और अगेन 6 मोर डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एमएम सिंहदेव कमेटी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1998 में 6 मोर डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए थे। तो वो थे एमएम सिंहदेव कमेटी। हेंस अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो 1998 में 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म किए गए थे, और अगर आप टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें और डिवीजन की, तो 1998 तक हमारे एमपी में टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स और 12 डिविजन्स हो चुके थे, जो कि 1998 में थे। 31 अक्टूबर 2000 को सीजी जो था वो कार्वड आउट हो गया एमपी से। सीजी के 3 डिविजन्स फॉर्म हुए और 16 डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन थे ये हमारे एमपी के एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट से ही काटे गए, मीन्स बायफर्केट किए गए। तो हमारे जो एमपी के बायफर्केटेड डिस्ट्रिक्ट थे वो बचे 45 डिस्ट्रिक्ट्स और 9 डिविजन्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीजी के 3 डिविजन्स चले जाने के कारण हमारे एमपी से 12-3 मींस 9 डिविजन्स हुए और 61-16=45 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए, जो कि हुए थे 1 नवंबर 2000 को। अब आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमपी का बाइफर्केशन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को वो किस संविधान संशोधन अधिनियम, मींस विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। तो वो हुआ था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए याद रखिएगा। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर को कार्व आउट किया गया खंडवा से, मींस बुरहानपुर को खंडवा से अलग किया गया। इसी प्रकार अनूपपुर को शहडोल से और अशोकनगर को गुना से अलग किया गया था। हेंस 2003 में जो एमपी के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन बचे थे वो थे 48 डिस्ट्रिक्ट फॉलोड बाय 9 डिविजन्स। 17 मई 2008 को एक नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था जिसका नाम था अलीराजपुर, जो कि कार्व्ड आउट हुआ था झाबुआ से, मींस झाबुआ से पृथक करके अलीराजपुर बनाया गया। और इसके अलावा 24 मई 2008 को एक और नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम था सिंगरौली, जो कि फॉर्म किया गया था सीधी डिस्ट्रिक्ट से। अब आपसे एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 49th डिस्ट्रिक्ट कौन सा था और 50th डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जो हमारे मध्य प्रदेश का था। तो वो था 49th में अगर बात की जाए तो वो था अलीराजपुर, और 50th डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो वो था सिंगरौली। इसकी फॉर्मेशन डेट भी आप याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जो 49th डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था वो हुआ था 17th मई 2008 को,
और 50th डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था 24th ऑफ मई 2008 को। जो हमारा नया और आखिरी डिवीज़न ऐड किया गया था जिसका नाम था शेड्यूल डिवीज़न मीन्स 10th डिवीज़न, उसकी फॉर्मेशन डेट है 14th ऑफ जून 2008। ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, बाय द वे शेड्यूल डिवीज़न जो है वो सबसे छोटा डिवीज़न भी कहलाता है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी डिस्ट्रिक्ट की जो अभी ऐड हुआ, जो था 51st डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है आगर मालवा, जिसकी आप फॉर्मेशन डेट याद रखिएगा वो है 15th ऑफ अगस्त 2013। ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 49 डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो आप बताएंगे अलीराजपुर, 50th डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, 51st डिस्ट्रिक्ट आगर मालवा। ओके, अब बात करते हैं रीनेमिंग की। होशंगाबाद जो डिवीजन है उसको रीनेम कर दिया गया है नर्मदापुरम डिवीजन। ओके, मींस होशंगाबाद डिवीजन पहले जो कहलाता था अब उसको नर्मदापुरम डिवीजन के नाम से जाना जाता है। अब आपसे ये डेट पूछी जा सकती है कि इसको रीनेम कब किया गया, तो इसकी रीनेम करने की डेट है 15th ऑफ फरवरी 2006 और इसके जो चेंजेस थे वो फोर्स में आए 28th ऑफ अगस्त 2008 को। इसके अलावा जो भाभरा है अलीराजपुर में उसका नाम बदल दिया गया है चंद्रशेखर आजाद नगर। ओके, ये भी याद रखिएगा, भाभरा इन अलीराजपुर वॉज नेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद नगर। इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है फरवरी 2010 को। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं PDF और साथ ही साथ कुछ अपडेट्स अपने चैनल की रिगार्डिंग देता हूं। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya dubey mppsc। टेलीग्राम की लिंक है t.me/aditya dubey mppsc। सो मुझे लगता है आपको ये लेसन पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय।